गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू जी के टूडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 7th और 8th ऑफ मे के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट एज पर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22। इस सर्वे के मुताबिक इंडिया का सबसे ज़्यादा इनोवेटिव स्टेट कौन सा है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये जो सर्वे है ये हाल ही में जारी हुआ है, और कौन सी डिपार्टमेंट है जिसको अंडरटेक करती है, तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, किसके साथ कोलाबरेट करके? यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूनिडो। ठीक है, और इस सर्वे के मुताबिक कर्नाटका मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और सेकेंड पोजिशन पर इसको फॉलो किया तेलंगाना ने। ठीक है, मतलब तेलंगाना सेकेंड पोजिशन पर है। तो याद रखिएगा, इनके मुताबिक मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इंडिया का कौन सा है, ये है कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटका एक वजह से और न्यूज़ में है आजकल। किस लिए? अपने एक एप्लीकेशन की वजह से जिसका नाम है वोटर्स हेल्पलाइन एप्लीकेशन। इसको हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था कर्नाटका स्टेट में, ताकि बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट हो सके वोटर्स का स्टेट के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली वोटर्स को हेल्प करता है इलेक्टोरल रोल्स में एनरोल होने में, और उनको असिस्ट करेगा कि वो अपने इलेक्शन बूथ्स को लोकेट कर सकें ड्यूरिंग द इलेक्शन डे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वोटर्स हेल्पलाइन एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने किस स्टेट में इंट्रोड्यूस किया फॉर द सीमलेस एनरोलमेंट ऑफ द वोटर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट हो सके वोटर्स का, तो ये स्टेट है कर्नाटका। ठीक है, और कर्नाटका वोट फ्रॉम होम इनिशिएटिव की वजह से भी न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड वेटरिनरी डे 2023 ऑब्जर्व्ड? इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? बेसिकली इसको हर साल अप्रैल मंथ के फाइनल सैटरडे को मनाया जाता है। ठीक है, फाइनल सैटरडे मतलब लास्ट सैटरडे, और इस साल ये फॉल हुआ था 29th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऑप्शन आएगा कि वर्ल्ड वेटरिनरी डे कब ऑब्जर्व करते हैं, ये सारे ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन पे रहा लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ, तो ये आंसर नहीं टिक करेंगे आप, जबकि ये आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक 2023 दिया हुआ है, इसलिए आंसर ये है, अदरवाइज ये हटा के पूछते तो फिर आंसर ये वाला होता। तो इसको क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं? इस दिन हम वेटरिनेरियंस की ड्यूटीज़ को कमेमोरेट करते हैं जो सोसाइटी के लिए परफॉर्म करते हैं, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी हम रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल मंथ को, और इस साल ये पड़ा है 29th ऑफ अप्रैल को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स मई मंथ से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितने अभी हो चुके हैं। तो 1st of May को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे, राइट? और इसी दिन याद रखिएगा गुजरात डे भी सेलिब्रेट होता है। देन उसके बाद 2nd of May को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। ट्यूना एक तरह की फिश होती है। ठीक है, उसके बाद 3rd of May को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, राइट? और इसके बाद 4th of May को हम ऑब्जर्व करते हैं कोल माइनर्स डे, और 4th of May को एक और दिन ऑब्जर्व होता है जिसका नाम है फायर फाइटर्स डे। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे वाले दिन, मतलब 3rd of May को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी पब्लिश किया गया था बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इसमें इंडिया है 161st पोजिशन पे अमंग 180 कंट्रीज़। और इसमें टॉप थ्री कंट्रीज़ कौन सी थी, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी तीन कंट्रीज़ थी? ये है नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। और वर्स्ट परफॉर्मर्स की बात करें तो बॉटम थ्री पे कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, और इंडिया की रैंक थी 161। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन नेवीज थर्ड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्रोजेक्ट 15B क्लास? प्रोजेक्ट 15B क्लास की जो थर्ड इंडिजिनस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी की, उसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है INS इम्फाल, और हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये थर्ड शिप है विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की इंडियन नेवी के लिए, और इसको कंस्ट्रक्ट किया है मेजोगन डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। क्या फीचर्स होते हैं प्रोजेक्ट 15B क्लास शिप्स की? ये शिप्स जो हैं ये इक्विप्ड हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से, और साथ ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से।
इसमें बहुत सारे तरीके के इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स का यूज़ किया गया है, लाइक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, फिर इसमें एंटी सबमरीन इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं, साथ ही 76 mm के सुपर रैपिड गन माउंटेड हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 4 शिप्स डिज़ाइन होने वाली थी। चारों के नाम क्या क्या हैं आपको ज़रूर याद रखना है, पूछा जा सकता है। इसमें फर्स्ट है INS विशाखापट्टनम, फिर सेकेंड है INS मुर्मूगांव, मुर्मूगांव को पिछले साल हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, फिर थर्ड है INS इम्फाल और लास्ट वाली है INS सूरत। ठीक है, तो ये 4 शिप्स इस प्रोजेक्ट के तहत डिज़ाइन होने वाली थी। नेक्स्ट है मुथामेज अरिकनर डॉक्टर कलाइगनर पेन मॉन्यूमेंट इज़ टू बी बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ विच लीडर। ये जो मॉन्यूमेंट है इसको बनाया जा रहा है किस लीडर की मेमोरी में, आपको ये बताना है। तो ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ 12 मेंबर एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, किसके ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये प्रपोजल रखा गया कि मुथामेज अरिकनर डॉक्टर कलाइगनर पेन मॉन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन द बे ऑफ बंगाल, और ये प्रपोजल फाइनली क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये मॉन्यूमेंट 30 मीटर्स हाई रहेगा और 8551 स्क्वायर मीटर्स पे फैला होगा। तो ये जो ऑफशोर मेमोरियल है इसको प्लान किया जा रहा है बनाने का ऑन द मेमोरी ऑफ लेट DMK पैट्रियार्क M करुणानिधि। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा M करुणानिधि। कहाँ पे बनाया जाएगा, बे ऑफ बंगाल में। सुल्तान अल नियादी हु बिकेम द फर्स्ट अरब टू अंडरटेक अ स्पेस वॉक इज फ्रॉम विच कंट्री। सुल्तान अल नियादी जो कि पहले अरब हो चुके हैं जिन्होंने स्पेस वॉक की है, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, आपको ये पूछा जा रहा है। तो सुल्तान अल नियादी एक UAE के एस्ट्रोनॉट हैं और हाल ही में ये पहले अरब बन चुके हैं जिन्होंने स्पेस वॉक को कंडक्ट किया है बाय कमिंग आउट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो इनकी जो वॉक है ये 7 घंटे की थी स्पेस में, जहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है। और इनके साथ कौन थे, तो ये हैं हज्जा अल मंसूरी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सुल्तान अल नियादी कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, UAE, कौन सी हिस्ट्री इन्होंने क्रिएट की है, ये पहले अरब हो चुके हैं जिन्होंने स्पेस वॉक को कंडक्ट किया। विच स्टेट सेक्रेटरीट दैट वॉज इनोग्रेटेड रिसेंटली होल्ड्स द नेम ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन से स्टेट का सेक्रेटरीट है जो कि हाल ही में इनोग्रेट किया गया है और उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, तो ये है तेलंगाना का स्टेट सेक्रेटरीट और हाल ही में इसको इनोग्रेट किया गया है 30th of April को। इसको बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया एट अ कॉस्ट ऑफ 600 crore rupees और ये 28 acres में फैला हुआ है और इसकी हाइट 265 feet है। ठीक है, 265 feet का मतलब आप समझते हैं, मतलब जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उससे भी ऊपर है, ताजमहल है जो आगरा का उससे भी ऊपर है, और जो आइकॉनिक चार मीनार है हैदराबाद में उससे भी ऊंचा है। ठीक है, इसमें कौन सी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम आता है, तो ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नेशनल पुलिस मिशन इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज की गई, आपको ये बताना है। तो ये 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस थी नेशनल पुलिस मिशन की जिसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया और बहुत सारे इशूज़ इसमें डिस्कस हुए, लाइक नेशनल फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का इस्टेब्लिशमेंट, फिर मोबाइल CCTNS मतलब क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, फिर जो ड्रोन्स का यूज़ है, इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाए कि नहीं, ये सब 8 key topics में आते थे जो कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जगन अन्ना चेवुदम स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये बताना है। एक्चुअली ये जो स्कीम है ये अपग्रेडेड वर्जन है पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल स्पंदना प्रोग्राम की। ठीक है, और इसको लॉन्च किया जाएगा 9th of May को। कौन लॉन्च करेगा, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, और ये इवेंट एक अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है स्पंदना प्रोग्राम का और नया एक रिड्रेसल हेल्पलाइन नंबर 1092 लॉन्च किया जाएगा जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स इंक्लूडेड हैं लाइक इनपुट ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स और शेयरिंग अ मैसेज डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, याद रखिएगा ये एक ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोग्राम है और किस स्टेट का है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा लाडली बहना योजना आजकल न्यूज़ में लगातार बनी हुई है, कौन से स्टेट को बिलोंग करती है ये स्कीम, आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ये इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जिसका एम है फिनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना वुमेन को स्टेट के अंदर,
और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ने हाल ही में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया अंडर दिस इनिशिएटिव इन भोपाल सिटी। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि लाडली बहना योजना कौन से स्टेट की स्कीम है, तो ये है मध्य प्रदेश। विच पॉलिसी थिंक टैंक रिलीज्ड द स्टेट ऑफ इंडियाज पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसने जारी करी है आपको ये बताना है। तो हाल ही में रिसर्च पेपर रिलीज किया गया और इसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस रेज किए गए हैं किस तरह के, लाइक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं, साथ ही जो पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हैं, क्या वो इफेक्टिवली फुलफिल करती हैं मैंडेट को या फिर नहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, बेसिकली इनके ऊपर सवाल उठाया गया है इस रिपोर्ट में। तो वन सेकेंड, रिपोर्ट के अंदर क्या है ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, बस याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसकी है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू कम्प्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, इसमें से कौन पहले इंडियन हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को कम्प्लीट हाल ही में कर लिया है। तो ये है रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टॉमी, इन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन जिसने गोल्डन ग्लोब रेस को कम्प्लीट किया है। ठीक है, ये रेस एक्चुअली लॉन्गेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट है पूरी दुनिया का और इसमें किसी भी तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, टॉमी फर्स्ट एशियन स्कीपर हैं जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल करी इस रेस में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कौन है, अभिलाष टॉमी, इंडिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल्ला अबू बकर हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेस विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब्दुल्ला अबू बकर कॉमनवेल्थ गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं और ये ट्रिपल जंप से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है इन द मिकियो ओडा मेमोरियल एथलेटिक्स मीट जो कि हुई थी हिरोशिमा जापान में। ठीक है, और ये इस सीज़न का बेस्ट एफर्ट था इनका 16.31 मीटर्स का, और साथ ही ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, केरला स्टेट से, और इनका पर्सनल बेस्ट कितना है 17.19 मीटर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये ट्रिपल जम से रिलेटेड है और किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एट मिकियो ओडा मेमोरियल एथलेटिक्स मीट जो कि हुई हिरोशिमा जापान में। लास्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी द मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड, कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में एक मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। तो ये इस तरह का पहला सेंटर स्टैब्लिश हुआ है हाल ही में दिल्ली हाट नई दिल्ली में। ठीक है, और नाफेद ने इसके लिए कोलाबरेट किया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स एंड फार्मर वेलफेयर के साथ, और इसका एम होगा अवेयरनेस रेज करना ऑन मिलेट, साथ ही इसके अडॉप्शन को इनकरेज करना जनरल पब्लिक में। ठीक है, तो ये सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, नई दिल्ली में। इसके अलावा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है, 2023। तो ये है हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब चलते हैं रिवीजन सेशन की तरफ जिसमें हम मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं एक बार फिर से, और आज ये सेकंड लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 211 से लेके क्वेश्चन नंबर 225 तक डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड लॉरियस हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच पर्टिकुलर फील्ड, तो ये पायनियर हैं क्लाइमेट साइंस के और हाल ही में इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 91 ईयर्स। विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रोवाइड्स फिनेंशियल असिस्टेंस फॉर वर्क शेड स्कीम फॉर खादी आर्टिजन, तो ये जो स्कीम है इसके थ्रू बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे खादी आर्टिजन्स को, और इसका एम होगा स्टोरेज स्पेस को प्रोवाइड करना फॉर रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स, और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME थ्रू KVIC मीन्स खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी आर्टिजन्स को ताकि वो वर्कशेड कंस्ट्रक्ट कर सकें अंडर दिस स्कीम। एक्सरसाइज कोनकन 2023 इज अ बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री, ये एक्सरसाइज है इंडिया और UK के बीच की, और इस साल ये मार्च मंथ में हुई है ऑफ द कोनकन कोस्ट इन अरेबियन सी, और इसमें इंडिया की तरफ से INS त्रिशूल ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, गुटी पेंडे कल्लू लाइन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज अ पार्ट ऑफ विच रेलवे लिंक, ये किस रेलवे लिंक का हिस्सा है आपको ये बताना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है कि जो गुटी पेंडे कल्लू सेक्शन है हैदराबाद टू बेंगलुरु रेलवे लिंक की, उसको डबल किया जाए, और ये जो सेक्शन है ये मेजर लिंक है ट्रेन्स के लिए जो कि हमारे नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में
ऑपरेट करती हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी एस्टिमेट की गई है? 352 करोड़ रुपीज़। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द डिजी क्लेम डिजिटाइज क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और ये जो मॉड्यूल है इससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा टोटल 6 स्टेट्स में, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक डिसबर्सल ऑफ क्लेम्स को सपोर्ट किया जाएगा। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज शहीद दिवस टू कमेमोरेट द एनिवर्सरी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ सुखदेव थापर, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु? तो ये दिन है 23rd of March, क्योंकि इसी दिन 1931 में इन तीनों फ्रीडम फाइटर्स को एग्जीक्यूट किया गया था, इसीलिए हम इनको ट्रिब्यूट पे करते हैं इस दिन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा? ये है आर्टिकल नंबर 102, जो कि डील करता है MPs के डिसक्वालिफिकेशन से फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कुछ रीजंस दिए गए हैं, एक लंबी लिस्ट प्रोवाइडेड है बिहाइंड द MPs डिसक्वालिफिकेशन, कि क्या क्या रीजन है जिससे कोई भी MP डिसक्वालिफाई हो सकता है। विच कंट्री लॉन्च द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट अलॉन्ग विद द कंट्री US? ये कंट्री है UAE। इस मिशन को लॉन्च किया UAE ने US के साथ मिलकर, कहाँ पे? एट COP26। और हाल ही में इंडिया ने इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग को ज्वाइन कर लिया है 2023 में। बेसिकली ये एक तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसका एम है इन्वेस्टमेंट और सपोर्ट को एक्सेलरेट करना फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम इनोवेशन। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी? इसके लिए होस्ट है बेंगलुरु। ठीक है, और इसके लिए और यहाँ पे एक MOU भी साइन हुआ है बिटवीन द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जिसमें डिसाइड हुआ है कि एक नया कैंपस यूनिवर्सिटी का ओपन किया जाएगा एट शिवमोगा। गज उत्सव 2023 विल बी ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू मार्क 30 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ विच प्रोजेक्ट? गज उत्सव को ऑर्गेनाइज किया इंडियन गवर्नमेंट ने टू मार्क 30 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, 7 अप्रैल को हमने ये वाला उत्सव सेलिब्रेट किया, कहाँ पे? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि है असम में। ठीक है, नेक्स्ट है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ G20 चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल? कौन सी सिटी होस्ट है इस पर्टिकुलर राउंड टेबल के लिए? तो ये है नई दिल्ली। ये एक्चुअली एक तरह का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल इनिशिएटिव है G20 प्रेसिडेंसी का, जो कि इस साल नई दिल्ली में होगा सेप्टेम्बर मंथ में। एग्जोस्टोमा तृतीय A new species of catfish has been discovered in which state or the union territory? हो सकता है सिंपली आपसे बस यही पूछ लें ये नाम देखे कि ये क्या चीज़ है, तो याद रखिएगा ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पेशीज है कैटफिश की। ये हमें हाल ही में स्पॉट हुई है अरुणाचल प्रदेश से। Which state or the union territory released the Tamil Nadu State Disaster Management Plan 2023? क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु का। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर MK Stalin। तो इसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के एक्शन प्लान्स को लिस्ट आउट किया है इन केस ऑफ नेचुरल और ह्यूमन मेड डिजास्टर। नेचुरल में लाइक सुनामी, साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। ह्यूमन में लाइक न्यूक्लियर डिजास्टर, फायर, हेल्थ इमरजेंसी एक्सेट्रा। तो क्या क्या हम कर सकते हैं इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, उसी का एक लिस्ट इन्होंने बनाया है। विच स्टेट पास अ रेजोल्यूशन टू प्रोवाइड SC स्टेटस फॉर दलित क्रिश्चियन? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा दलित क्रिश्चियंस को। व्हाट इज द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इन द स्टॉक मार्केट? तो ये सारे टर्म स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, बस याद रखिएगा कि इसका आंसर है 25%। गवर्नमेंट ने क्योंकि ये जो टैक्स है उसको इंक्रीज कर दिया है और ये इफेक्टिव भी हो चुका है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। तो ये हो गए हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस मार्च मंथ के। यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे और लास्ट सेशन अपना करेंगे 226 से लेके 240 तक का। चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ।
टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ.